जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है वैसे ही सह्याद्री माउंटेन्स का एक अलग ही रूप हमें देखने के लिए मिलता है। आपको देखने के लिए मिलेगा खूबसूरत वाटरफॉल्स, अमेजिंग व्यू, बादलों से भरा हुआ पहाड़ और उसी के साथ आपको काफ़ी ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगा। सो आज मैं आपको एक ऐसे ही लोकेशन पे लेकर जा रहा हूँ जो कि काफ़ी हिडन है, जहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई टूरिस्ट गया होगा। सो मैं आज आपको ऐसा ही एक लोकेशन एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ जिसका कोई नाम तो है नहीं, पर हाँ मैं वीडियोस के एंड में ज़रूर मैं इसका लोकेशन आपको बता दूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस जर्नी को। वाटरफॉल्स तो खूबसूरत है ही, लेकिन हमें रास्ते भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये है तामहिनी घाट, जो कि महाराष्ट्र में सबसे खूबसूरत घाटों में से एक घाट कहलाया जाता है। ये घाट मानसून सीज़न में काफ़ी सुंदर और काफ़ी अमेजिंग दिखता है, वो इसलिए क्योंकि आपको इस घाट पे हर मोड़ पे खूबसूरत वाटरफॉल एंड अमेजिंग व्यू और उसी के साथ खूबसूरत लैंडस्केप देखने के लिए मिलते हैं। सो हम भी इस घाट को क्रॉस करते हुए निकल जाते हैं निज़ामपुर। निज़ामपुर से ये वाटरफॉल्स की दूरी ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर है और इस वाटरफॉल का बेस विलेज है चन्नत। चन्नत विलेज जो कि इस वाटरफॉल्स का बेस विलेज है और यहाँ से हम 3 किलोमीटर का ट्रैक्स स्टार्ट करते हैं। सो ये है यहाँ का एंट्री फीस। सो 100 रुपीज़ पर हेड लगता है एंट्री फीस। यहाँ पे देख लेना आप, ये वाला बोर्ड लगा रहेगा, इस पर पूरा लिखा हुआ है। अगर आपको गाइड वगैरह चाहिए तो सब यहाँ पे मिल सकता है, अपना गाड़ी वहाँ पे पार्क है। और यहाँ से अभी हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। अभी हम आए आज फिर से एक एडवेंचर वाले ट्रैक्स पे। ये कोई ट्रैक्स नहीं है, बस एक ट्रेल्स है, पर हाँ भाई ये काफ़ी औसम नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ आज के दिन। यहाँ पे बहुत कम, मतलब मेरे हिसाब से आता ही नहीं है कोई यहाँ पे, जो है गांव वाले आते हैं इस लोकेशन पे। और मैं इस जगह पे लास्ट ईयर भी आया था, पर उस टाइम आने के बाद मुझे बिल्कुल भी पानी दिखा नहीं था। पर इस बार हाँ वाटरफॉल चालू है, अभी अक्टूबर एंड चल रहा है और मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल अकेला। सो गांव वाले लोग मना कर रहे थे कि आप मत जाओ अकेला, रास्ता ऐसा है वैसा। यहाँ पे है ना 100 रुपीज़ शायद चार्जेस भी है गाइड का, सो गाइड भी आप लेकर जा सकते हो। पर मैंने सोचा हाँ पास में ये तो गाइड क्यों लूँ, क्योंकि इस जगह पे मैं ऑलरेडी आया हूँ और ये दूसरी बार आया हूँ। सो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ काफ़ी अमेजिंग सा वाटरफॉल। और ये देखो कुछ ऐसा ट्रैक्स है, जंगल आगे जंगल दिखने वाला है। और ये है कुछ ऐसा ट्रैक्स, इसी रास्ते से मैं लास्ट ईयर आया था। वाह क्या ग्रीनरी है यार, ग्रास देखो आप। चन्ना मेरे, चन्ना मेरे भाई, इस विलेज का नाम भी चन्नत ही है। धूप से निकल के छाँव में जो ढल के, ये ट्रैक्स वन साइड
ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स का है और इसे करने में हमें ऑलमोस्ट 1 आवर्स लगेगा। 1 आवर्स के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा खूबसूरत से खेत, उसी के साथ घने जंगल और हमें आगे जाकर के मिलने वाला है एक खूबसूरत सा रिवर। सो वो रिवर के साइड साइड हमें ये ट्रैक्स करना है और उसके बाद हम पहुँचेंगे इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल के पास। यहाँ पे देखो ये एक रेड कलर का फ्लावर्स मिला है, पता नहीं कौन से ये फ्लावर्स है या कुछ और ही चीज़ है, पर कितना मस्त दिख रहा है देखो। और बिल्कुल अकेला हूँ इस सफ़र पे। वो वहाँ आपको शायद वाटरफॉल गिरता हुआ दिख रहा होगा, वो है कुंभे वाटरफॉल। और कुंभे वाटरफॉल ही नीचे आने के बाद एक अलग सा रूप ले लेता है। सो बेसिकली ये जो लोकेशन है ना, आपने कुंभे वाटरफॉल का नाम तो सुना होगा, काफ़ी फेमस वाटरफॉल है अभी के टाइम में और काफ़ी ब्यूटीफुल भी है वो वाटरफॉल। सो ये कुंभे वाटरफॉल ही है और कुंभे वाटरफॉल ही नीचे गिरने के बाद एक अलग सा ही रूप ले लेता है। सो मैं वही आपको दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर आकर के ट्रैक्स एंड हो रहा है, ये देखो यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ से राइट लेफ्ट लेकर के यहाँ से उतर करके अब रिवर के साथ जाना है। स्लिपरी है भाई, स्लिपरी है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 2 मेजर वाटरफॉल जो कि काफ़ी सुंदर है और ये वाटरफॉल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस वाटरफॉल की खासियत बात ये है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आकर के एक्सप्लोर करो, पर हाँ इसे गंदा ना करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये दोनों ही वाटरफॉल और उसी के साथ इसका पूरा लोकेशन। भाई दो दो वाटरफॉल है यहाँ पे, एक यहाँ से गिर रहा है, एक इस साइड गिर रहा है, दोनों काफी बड़ा है भाई। ओ माय गॉड, क्या क्रेजी है यार। ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा दोस्तों, निकल जाओ यार इस एज में घूमने के लिए। ओ ये है क्रेजी वाटरफॉल, क्या मस्त दिख रहा है ना यार। तो अभी यहां से हम जा रहे हैं सेकंड वाटरफॉल की तरफ, वो भी काफी ऑसम है और वहां पे एक वैली है कटआउट करके काफी खतरनाक सा। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड वाटरफॉल के पास, वो भी बाजू में ही है, मुझे लग रहा है 10 मिनट लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो अभी मैं दूसरे वाटरफॉल के पास जा रहा हूँ, ये वाला तो क्रेजी था यार, बहुत ही क्रेजी था। ए यार मर गया रे।
की माँ की आँख। लग गई चोट। ये था वो वाला वाटरफॉल और उसके बाजू में ये है दूसरा वाटरफॉल, और ये दोनों वाटरफॉल का पानी यहाँ से नीचे जाकर के एक रिवर बन जाता है। बाकी ये कितना अमेजिंग है वो। ये है सेकंड वाटरफॉल और ये भी काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। अभी मैं आया हूँ इधर से ऊपर चढ़ करके ये रॉक क्लाइम करके और ये पहुँचा हूँ यहाँ पे अभी। वहाँ पे मुझे रैम्बो दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना। हाँ, और दूसरा वाटरफॉल इस वाले वैली के अंदर था, ये सेकंड वाटरफॉल। एक और वाटरफॉल इधर से आता है पर ये काफ़ी डेंजरस लग रहा है, तो इतना टाइम भी नहीं बचा कि मैं वहाँ तक जा पाऊँ। पर ये वाला देखो, इस वाटरफॉल्स को आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो? मैं बताता हूँ ना, मैं इस वाटरफॉल्स का पिन लोकेशन और वाटरफॉल्स का नाम रख करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ जा करके लिंक पे क्लिक करके गूगल मैप पे आ करके आप जा सकते हो इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के पास। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एडवेंचर के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। ये लोकेशन पुणे से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, पर मैं जिस लोकेशन से आया वहाँ से ये मुझे 150 किलोमीटर पड़ा है। पहले मेरा प्लान था मिल्की बेर वाटरफॉल एक्सप्लोर करने का, वो भी एक हिडन है पर वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। ये एक ऐसा लोकेशन है यहाँ पे कोई नहीं आता है, सो मैं आया हूँ इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए और आप लोगों के लिए ये लोकेशन मैं रिवील करने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी इस लोकेशन पे आकर के एक अच्छा सा व्यू पाओ। बस यहाँ पे आकर के आपको कचरे नहीं करने हैं, क्योंकि एक भी कचरा मुझे दिखा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे टूरिस्ट आते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कचरा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये लोकेशन। सो मैं रिवील कर रहा हूँ लोकेशन, लेकिन आप लोगों से बस इतना ही चाहता हूँ कि कचरा ना करो यहाँ पे आकर के। यहाँ पे आप आओगे तो आपको गांव वाले काफ़ी हेल्प करेंगे लोकेशन ढूंढने में, वो बताएंगे आपको कहाँ से कैसे जाना है। वैसे लोकेशन तो काफ़ी ईजी है जाने के लिए, पर हाँ यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी ईजी करने वाला वहाँ पर जाने के लिए।